एक कलयुगी बेटे ने अति की सारी सीमाएं पार कर अपने पिता की हत्या कर दी। यह कलयुगी पुत्र हमेशा अपने पिता से बुरा बर्ताव कर उनके साथ मारपीट तक कर देता था। अब पुलिस ने इस अपराधी को उनकी सही जगह शिक्षकों के पीछे भेज दिया है। गले और कान पर गंभीर चोट पहुंचाकर किसी ने शेष नारायण वर्मा की हत्या कर दी। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क किनारे शेष नारायण वर्मा मृत अवस्था में पड़े मिले। अपराध की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे और अपराधी की तलाश शुरू कर दी। विवेचना के दौरान मृतक के बेटे से पूछताछ करने पर पता चला कि वह पूर्व से पिता शेष नारायण से मारपीट विवाद करता था और एक बार उसने अपनी मां को भी तलवार फेंक कर मारा था। एकांत पाकर इस कलयुगी बेटे ने पिता शेष नारायण को वापस से कुल्हाड़ी से वार किया और उनकी जान ले ली। घटना के बाद से आरोपी पुत्र डोमेश वर्मा पूछताछ से बचने के लिए हार्ट अटैक का बहाना कर अस्पताल में भर्ती हो गया। बेटे ने पूछताछ में बताया कि पिताजी मृतक जो है वो पूर्व में हत्या का आरोपी रहा है और वो धमकाता था कि पूर्व में एक मर्डर कर चुका हूँ, तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा। इस टाइप से बेटा थोड़ा दहशत में रहता था, रुपए पैसे को विवाद, कभी शराब पीने को विवाद, इस टाइप का इनके बीच में होते रहता था। मृतक जो है अपनी पत्नी से विवाद करता था, इससे भी पुत्र जो आरोपी डोमेश है वो क्षुब्ध था। तो होली की शाम को इनके बीच फिर से पुनः विवाद हुआ। उस दिन ही डोमेश ने ठान लिया कि मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा करके, और जैसे ही उसको मौका मिला तो वो सुनसान जगह देख के कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार किया मृतक के ऊपर और मृतक को मौके पे ही ढेर कर दिया गया। अभी आईपीसी 302 के तहत अपराध कायम कर लिया गया है और आरोपी डोमेश को जो है जेल भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।